हेलो गाइस, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं गिटार बूट चैनल। इस थर्ड लेसन में हम लर्न करने वाले हैं कि गिटार को हमें कैसे होल्ड करना है और अपने फिंगर्स को कैसे कंट्रोल करना है और अपने हैंड को किस तरीके से प्ले करना है जिससे जो है ईजी होगी अंडरस्टैंड करने में। और मैं कुछ बताने वाला हूँ कुछ गिटार के यूनिवर्सल कोड जो हर जगह प्ले किए जाते हैं। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना गाइस। अगर गाइस आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं सो गाइस उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी सेटिंग पोजीशन से। सो गाइस कंफर्टेबली आप कैसे भी बैठ सकते हो, बट गाइस इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आप गिटार को किस तरीके से होल्ड करते हो। मैंने बहुत से बिगिनर्स को देखा है वो गलत तरीके से इसको होल्ड करते हैं जो एक्चुअली सही नहीं है। आगे जाकर जो है आपको इसकी हिट पड़ जाती है जिससे आप गिटार के कोड जो है ढंग से प्ले नहीं कर पाओगे। सो मैं बात करता हूँ आप गिटार को किस तरीके से होल्ड करते हैं। सो गाइस आप ये जो देख रहे हैं ये वाला पोजीशन जो आप देख रहे हैं तो इसको जो है आप अपने थाई के ऊपर रखें जिससे जो है वो सेट हो जाए, जिससे जो गिटार इधर उधर ना हिले जब भी आप गिटार को प्ले करें। अब बात करते हैं हम अपने आर्म रेस्ट की। तो आप यहाँ पर एक रिज देख सकते हैं, इस रिज के ऊपर जो है यहाँ पर बहुत स्पेस है तो आप इसको अपने आर्म को आप इस पर रख सकते हैं एज अ रेस्ट पॉइंट। बहुत सारी ये बेसिक चीज़ें हैं गाइस जो आपको ध्यान रखनी है वाइल प्लेइंग द गिटार। सो इससे क्या होगा, प्ले करेंगे गिटार तो आप इजीली और कंफर्टेबली आगे जाके प्ले कर पाएंगे। सो सेकेंड चीज़ हम लर्न करेंगे आप फिंगर्स के नेम। सो गाइस फिंगर्स के नेम जो है बेसिकली इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट मैं कहना चाहूँगा आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे। सो मैं यहाँ पर एक डायग्राम दे दूँगा जो आप इजीली आप इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली बता दूँ, बेसिकली हम फाइव फिंगर यूज़ करते हैं कोर्ड्स को पकड़ने के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन चीज़ है गाइस, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये फिंगर जो आप देख रहे हैं हम इसे ऑफकोर्स थंब कहेंगे, और ये फिंगर जो है इंडेक्स फिंगर है, और ये जो फिंगर है हम इसको मिडिल फिंगर कहते हैं, और ये जो फिंगर है रिंग फिंगर है, और ये है स्मॉल फिंगर। सो इस तरीके से आप इस चीज़ को लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको डायग्राम भी दे दूँगा, आपको इंटरनेट में इसकी इमेज भी मिल जाएगी। हम अब बात करते हैं फिंगर पोजीशन की। सो हमें किस तरीके से गिटार के कोर्ड्स को होल्ड करना है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं जो फर्स्ट फिंगर है इंडेक्स फिंगर, मैंने उसको फिफ्थ स्ट्रिंग पे रखा है सेकेंड फ्रेट पे, और मिडिल फिंगर को रखा है मैंने सिक्स्थ स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट पे, और रिंग फिंगर को रखा है मैंने सेकेंड स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट पे सेम एज इट इज थर्ड फ्रेट पे। सो हम इसको प्ले करके देखते हैं कैसे साउंड करता है। सो ये बहुत अच्छे से साउंड कर रहा है क्योंकि जी स्ट्रिंग है। सो इस तरीके से आप जो है लर्न कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको डायग्राम भी देता हूँ जिससे आपको बहुत इजी होगी स्ट्रिंग और कोर्ड स्ट्रिंग्स के कोर्ड को समझने। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड कोर्ड की तरफ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना इंडेक्स फिंगर सेम जो है फर्स्ट फ्रेट और सेकेंड स्ट्रिंग पर रखा है, और मिडिल फिंगर जो है मैंने अपनी फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट पे रखा है, एंड रिंग फिंगर मैंने फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे रखा है। सो ये है सी। तो इसको भी हम प्ले करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से प्ले हो रहा है। इस तरीके से हम अपना थर्ड कोड भी हम प्ले करेंगे। तो आप डी दे सकते हैं, मैंने अपना इंडेक्स फिंगर जो है थर्ड स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे रखा है, और मिडिल फिंगर जो है मैंने अपना फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पे रखा सेम एज इट इज, और थर्ड फिंगर जो सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट पे रखा है। सो हम इसको प्ले करके हम इसको भी देख लेते हैं। तो आपने देखा बहुत स्मूथली और अच्छे से साउंड कर रहा है। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं ये तीन कोड जो है जी सी और डी। सो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसको प्ले ना करें, आप इसको प्रैक्टिस करें डेली, क्योंकि बहुत जनों का ध्यान जो है हमेशा प्ले पर चले जाता है।
फोर्थ लेसन में आपको बताऊंगा कि कैसे प्ले करना है, और जब तक जो है आप इसको जो है प्रैक्टिस करें। सो प्रैक्टिस करना गाइस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ प्लेइंग। सो मैं सजेस्ट करूँगा आप प्ले ना करें, आप इसको प्रैक्टिस करें। मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। जब मैं लर्न करता था गिटार, तो मैं क्या करता था, मैं अपनी उंगलियों पे, अपने हैंड पे यहाँ पर 6 स्ट्रिंग्स बना लेता था, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग्स और यहाँ पर जो है मैं कोड्स को जो है मार्क कर लेता था, जिससे जो है मेरे को ईजी होती थी। तो मैं उसको ऐसे से करके करता था कैच करने के लिए। सो गाइस मैं भी आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इंस्टेड ऑफ प्लेइंग आप जो है कोड्स को जो है कैच करने में ज़्यादा ध्यान दें। आप प्ले करने में ध्यान देंगे तो आपका पूरा ध्यान जो है प्ले में चला जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलें। देखने के लिए थैंक यू।